नमस्कार, मैं हूं पूजा वशिष्ठ, आप सभी का स्वागत करती हूं बोल्ड स्काई में। सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज के रूप में मनाया जाता है। इस बार हरियाली तीज 31 जुलाई को है। हरियाली तीज पर महिलाएं सज सवर कर श्रृंगार कर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। मुख्य रूप से भगवान को घेवर और जवे की खीर का भोग लगाया जाता है। हरियाली तीज के मौके पर कुछ ऐसी खास मिठाइयां हैं जिनके बिना ये त्योहार पूरी तरीके से अधूरा है। घेवर। हरियाली तीज पर घेवर की शुरुआत हो जाती है। घेवर मैदा, घी, दूध और चीनी से बनने वाली मिठाई है। हरियाली तीज पर मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती को घेवर का भोग लगाया जाता है। साथ ही घेवर खाकर ही व्रती महिला अपने व्रत का पारण करती है। जवे की खीर। सावन महीने में मुख्य रूप से मैदा के जवे बनाए जाते हैं। इसके बाद उसे धूप में सुखाया जाता है और फिर हरियाली तीज वाले दिन इन्हीं मैदा के जवे की खीर बनाई जाती है। उत्तर भारत के कई इलाकों में हरियाली तीज के मौके पर भगवान शिव और माता पार्वती को मुख्य रूप से जवे की खीर बनाकर भोग लगाने की परंपरा है। मालपुआ। उत्तर भारत के कई इलाकों में हरियाली तीज के मौके पर भगवान शिव और माता पार्वती को मुख्य रूप से मालपुए का भोग लगाया जाता है और फिर इसी मालपुए को खाकर व्रत का पारण किया जाता है। जी हां, आपको बता दें, हरियाली तीज पर जहां एक तरफ साज श्रृंगार मेहंदी और झूलों का जितना महत्व है उतना ही महत्व भगवान को लगाने वाले भोग का भी है। हरियाली तीज पर घेवर, फैनी, जवे की खीर और साथ ही मालपुए का भोग भगवान शिव और माता पार्वती को मुख्य रूप से लगाया जाता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब जरूर करें।